अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी ओ बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2 ईयर प्रोग्राम को 4 ईयर प्रोग्राम में किस तरीके से आप चेंज करवाएंगे। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम जो है वो बी एस सी है, उसको मैं बी एस सी एस में किस तरीके से चेंज करवाऊँगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपना एलएमएस खोल लें। एलएमएस खोलने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे स्टूडेंट सर्विस में। तो स्टूडेंट सर्विस में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे लास्ट में आ जाएंगे स्टेटिक प्रोग्राम कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ प्रोग्राम शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी करंट डिग्री आपको शो हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि मैं पहले वीडियो बनाई थी, मेरे बीएससी प्रोग्राम था, वो वीडियो मुझसे मिसप्लेस हो गई है। ठीक है, तो इस वजह से मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम चेंज हो गया, तो यहाँ बीएससी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो वह इसका मैं प्रूफ में आपको यहाँ दिखाऊंगा, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं जो है वो बीएससी एस को बीएस में कन्वर्ट करके अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देखें, मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर जाकर प्रोग्राम सेलेक्ट करूँगा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरा अभी 4 ईयर प्रोग्राम हो चुका है। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इस वजह से मुझे अब वो बीएससी शो नहीं हो रहा, तो इस वजह से मैं मजबूर हूँ कि मैं 2 ईयर प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर पूरा वही है, सेम है। तो सिलेक्ट स्टूडेंट में जाके मैं फर्स्ट करें मैं एसोसिएट डिग्री कंप्यूटर साइंस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आप क्या करेंगे, अपना डिग्री प्रोग्राम चूज़ करेंगे जिसमें आपने अप्लाई करना है, और यहाँ पर आगे आगे आपका सब प्रोग्राम चूज़ कर लेंगे। ठीक है, किस फील्ड के अंदर आपने करना है, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो आप डिग्री में चेंज कन्वर्जन करवाएंगे तो वहाँ पर सारे कोर्सेज सारे को जो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज हैं जो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी आईडिया हो जाएगा कि आप कौन से कोर्सेज एक्सेप्ट कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ पर जो कोर्सेज आपको शो हो रहे हैं तो उसका मतलब वो सारे एक्सेप्ट कर रहे होंगे। मेरा यहाँ पे एक कोर्सेज शो नहीं हो रहा है, CS 400 एक वस्तु वजह यह है कि उसमें मेरा एफ है। ठीक है, तो बाकी सारे कोर्सेज शो हो रहे हैं, 21 में टोटल कोर्सेज है। ठीक है, जो मैं पढ़ चुका 2 ईयर प्रोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे जाके यहाँ पे आप करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बटन जो है हाईलाइटेड नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा सा लाइट हुआ, इसका मतलब है कि कोर्स सिलेक्शन की डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे कैलेंडर में देखें, अकेडमिक कैलेंडर में, तो लास्ट डेट चेंज ऑफ स्टडी प्रोग्राम क्या है, 26 अप्रैल है। ठीक है, तो मैंने 25 से पहले ही मैंने मतलब अप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो ये वजह है कि यहाँ पर आ नहीं रहा, लेकिन प्रोसीजर पूरा सेम है। तो वो देख लेता सबमिट रिक्वेस्ट, आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ नया डायलॉग दे देगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें लिखा होगा अब आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा बीएससी था, तो मैंने बीएससी एस में चेंज किया। तो ठीक है, तो जिसमें चेंज किया उसका प्रोग्राम में लिखा हुआ है बीएससी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो मैंने बीएससी से बीएससी एस में चेंज किया था, तो मेरा यहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ आ गया। और यहाँ पर आपने अपना लिखना है रीज़न लिखना कि आप चेंज करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट डेट, जिस दिन अप्लाई करेंगे उस दिन की डेट आ जाएगी। मैंने 24 अप्रैल को अप्लाई किया था। ठीक है, और यहाँ पे आखिरी डेट थी 26 अप्रैल। ठीक है, तो 24 तारीख को मैंने अप्लाई किया था। और देखें यहाँ पे लिखा होगा स्टेटस पे पेंडिंग। ठीक है, अभी क्योंकि ये एक्सेप्ट होगा तो इसलिए एक्सेप्टेड लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा होगा पेंडिंग, और यहाँ पे आपको बोला होगा आप अपनी पेमेंट का वाउचर अपलोड करते हैं। अच्छा, इसकी जो पेमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अकाउंट्स में जाके। ठीक है, ये 2000 फीस है कन्वर्जन की। अगर मैं यहाँ पर पॉसिबल हो वाउचर दिखा सकूँ आपको, तो नहीं मैंने आपको वॉच दिखाया था, वो आखिरी वीडियो में बनाई थी, उसमें मुझे वीडियो में डिलीट हुई है, तो उसमें था। ठीक है, तो 2000 के इसमें लिखा होता है कि कन्वर्जन फीस, यानी स्टडी प्रोग्राम चेंज फीस लिखा होता है आपके वॉचर में। ठीक है, तो 2000 इसकी फीस होती है। ठीक है, यानी एक स्टडी प्रोग्राम से दूसरी में चेंज करवाने के लिए आपकी 2000 फीस होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पेड कर देंगे और आपका वॉचर जो है वो वहाँ पर शो नहीं होगा, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा अकाउंट बुक्स में। अकाउंट बुक्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना वॉचर पर, आपका वॉचर ओपन हो जाएगा, लिखा हुआ है कि स्टडी कन्वर्जन प्रोग्राम। ठीक है, तो उसकी 2000 रुपये दोबारा वो पे कर दिएगा। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा मैं वापस आता हूँ स्टडी प्रोग्राम में, स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन। और ठीक है, तो इस तरीके, अच्छा मैं आपको दिखा दूँ कि ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन नॉट चेंज अ प्रोग्राम लास्ट डेट फॉर स्टडी प्रोग्राम चेंज व्हाट्सएप पर 26। ठीक है, वो क्योंकि आप यहाँ डेट ख़त्म हो चुकी है, इस वजह से ये टेक्स्ट हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन जब आपके पास जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मैसेज आ रहा होगा यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो करंट रिक्वायर्स स्टेटस पेंडिंग, सो यू कैन नॉट सबमिट स्टडी प्रोग्राम चेंज रिक्वायर। ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है स्टेटस लिखा होगा पेंडिंग, यहाँ पर लिखा होगा स्टेटस पेंडिंग। ठीक है, तो इसकी जो पुरानी स्क्रीन शॉट है वो देखिए, उसकी मैंने स्क्रीन शॉट ले ली थी, तो मैं देख सकते हैं लिखा हुआ योर करंट रिक्वेस्ट स्टेटस इज पेंडिंग, सो यू कैन नॉट सबमिट स्टडी प्रोग्राम। मतलब है कि आपके रिक्वेस्ट पेंडिंग पे आप वेट कीजिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं मैंने कब अप्लाई किया था, 24 अप्रैल को मैंने अप्लाई किया, तो आज है 28 और 12 बज चुके, तो 29 हो चुकी है। ठीक है, यानी ये 3 से 4 दिन मैंने 24, 25, 26, 27, 28
कमोबेश था 4 दिन लिए मैंने, 3 से 4 दिन लिए, तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। अच्छा, मुझे नहीं पता है कि 3 से 4 दिन मैंने एक्सेप्ट किया है नहीं किया, क्योंकि मैंने लोगों को काफ़ी मेल सेंड की थी, मैंने भी सपोर्टिव भी की, काफ़ी मेल भी की, क्योंकि आप लोगों को छोड़ पता होगा, आप लोगों ने मेरी आखिरी वीडियो देखी उसमें बताया कि मैंने एक कोर्स छोड़ दिया मेरा, तो एक्चुअली मेरा 2 ईयर प्रोग्राम था, 2 ईयर से 4 ईयर में रन करना था, लेकिन मैंने इसमें एक बार रोक दिया, तो मेरे पास नेक्स्ट सेमेस्टर में कोर्सेज का ऑप्शन नहीं थे। तो इन लोगों को मैंने काफ़ी मेल की कि आप बताएं तो क्या बात है, इस वजह से मैंने जल्दी कोर्सेज चेंज करने एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अभी 28 तारीख को यानी 28 को दोपहर में उन्होंने मेरा ऑप्शन ओपन किया और मेरे पास सिर्फ 1 दिन है, 29 को फिर ही एक्सपायर है, तो मैंने काफ़ी मेल की तो नहीं दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, तो इस तरीके से आप स्टडी प्रोग्राम में कन्वर्जन करवा सकते हैं। ठीक है, 2000 इसकी फीस हो गई और यहाँ पे आपको 3 से 4 दिन में स्पॉन्सर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एक्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, इसकी कोई मेल नहीं आएगी आपको, ना ही कोई मैसेज आएगा। ठीक है, यहाँ पे आके आपने इसको स्टडी प्रोग्राम में जाके, स्टडी प्रोग्राम का डिटेल में जाके आपने यहाँ चेक करना होगा फिर क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ स्टडी ऐप लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब यह कि आपको ऑटोमेटिक कोर्सेज शो कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ गया हूँ तो मुझे यहाँ कोर्सेज का ऑप्शन मिल गया, पहले नहीं थे मेरे पास बिल्कुल। ठीक है, तो अब 29 तारीख आखिरी डेट है और मुझे अब जाके उन्होंने ऑप्शन दिया है कोर्स सिलेक्शन का, तो मैं कोर्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, याद रहे कि मेरा 2 ईयर प्रोग्राम था तो सिर्फ मुझे CS 401 शो हो रहा था एक कोर्सेज के लिए, तो मैं पूरा एक सेमेस्टर ज़ाया नहीं करूँगा, तो बेहतर यही समझा मैं एच प्रोग्राम चेंज कर लूँ। और इनकी मैनेजमेंट इतनी माशाल्लाह से थर्ड क्लास है कि इनको मैंने काफ़ी मैसेज किए, इनको मैंने काफ़ी मेल किए हैं, यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ ये पूरा मेल तो भरा हुआ है मेरा। ठीक, काफ़ी मेल किए मैंने इन लोगों को, तो उनका रिस्पॉन्स तो 2 से 3 दिन बाद आता है, वो कहते हैं री सपोर्ट पर, कहने सपोर्ट वाले ये तो माशाल्लाह से इतना टाइम लगाते हैं कि रिस्पॉन्स ही नहीं आता, और आते भी तो ये कहते हैं कि आपका और अच्छा मज़े की बात, मैंने हर चीज़ के डिपार्टमेंट बनाया है, रिजल्ट के क्वेरी के लिए, तो BSCS की क्वेरी के लिए, CGPA की क्वेरी के लिए, मतलब हर चीज़ के उन्होंने ईमेल बनाई, बंदा मतलब एक सवाल भी है, बंदा को 5 जगह जाना पड़ता है, कहने को तो वैसे तो अच्छा है इनका मैनेजमेंट है, लेकिन अगर बात की जाए छोटे छोटे मसले के लिए, तो आपको रिजल्ट का मसला तो आपने रिजल्ट को मेल करनी पड़ेगी, अगर CS 401 का मसला तो आप 401 को मेल करनी पड़ेगी, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है उन्होंने, बाकी मुश्किल बनाया सिस्टम। ठीक, और अगर आप कैंपस जाए उनको कुछ मालूम नहीं, डायर से बात वो ये चीज़ मैनेज नहीं कर रहे होते, तो बाकी कोई सिस्टम कहने का भी सपोर्ट सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ, यहाँ देख सकते हैं कितनी इनको मेल सेंड किया, उन रिप्लाई में क्या आता है, न्यूट्रल रिप्लाई सेंड करते हैं, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं करता, बोलते वेट कीजिए आपका स्टडी प्रोग्राम में अभी चेंज हो जाएगा। मैंने कब से इनको अप्लाई किया हुआ कि काइंडली आप पहले से मुझे बता दें कि कब तक के आप रीचेकिंग के रिजल्ट अनाउंस करेंगे, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई रीचेकिंग के रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आप दौरान दिखाऊँ स्टडी से जाके, ठीक है, और यहाँ से अप्लाई ऑफ हो जाएंगे पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पेड प्रोसेस। ठीक है, ड्यू डेट क्या थी, 12 मैंने 6 तारीख को अप्लाई करके देख सकते हैं, ये आज 29 होने वाली है और अभी तक ये पेड एंड प्रोसेस है। ठीक है, तो ये तो इनकी मैनेजमेंट ने अगर इनको मैंने यहाँ पर मेल दी है कि आप काइंडली बता दें क्या करना है। ठीक है, तो इनका कोई रिस्पॉन्स बोलना, काइंडली आप वेट कीजिए, आपको LMS पे अपडेट कर दिया जाएगा, मैं आपको मेरा मेल ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं, यू विल बी इन्फॉर्म रिगार्डिंग द फाइनल डिसीजन ऑफ यू चेकिंग प्लस वी ईमेल सून, प्लीज चेक योर ऑफिशियल ईमेल आईडी ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो 15 से 20 दिन का लोग कहते हैं कि हम आपको रिजल्ट बताएंगे। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या हाल है इनका, कि री चेकिंग वी आई ईमेल सून 29 हुई और आप बताएँ कि आखिरी डेट हुई है कुछ सेक्शन का, इनका अभी तक नहीं आया, तो मुझे मजबूरन 2 ईयर से 4 ईयर प्रोग्राम चेंज करवाना पड़ा, क्योंकि आखिरी डेट कोर्स सेक्शन 29 है, उसके बाद यहाँ पर कोई ऑप्शन होता है, नेक्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ एक ही कोर्स पढ़ना पड़ता है, तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं स्टडी प्रोग्राम चेंज करवा दूँ, क्योंकि मैंने अपनी एफर्ट पूरी की, मैं कैंपस भी गया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो इनकी मैनेजमेंट है, तो ये तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जाके आप कोर्स सेलेक्ट कर लें, और एडवाइस मेरी मुश्किल कोर्स सेलेक्ट करें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मल्टी पॉसिबल ये है कि आपके एग्जाम जो है मिड टर्म जो है वो ऑनलाइन, मिड टर्म ऑनलाइन होगा तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप कोर्स जितने भी मुश्किल सेलेक्ट करें, मैंने भी जो है मैं अमूमन जो है हर सेमेस्टर में एक मैथ का सब्जेक्ट रखता हूँ। ठीक है, तो इस बार तो 2 हैं, तो कोशिश ये करेंगे मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट रखें ताकि आप लोगों का सेमेस्टर आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये था मैथड आप किस तरीके से जो है स्टडी प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ मैंने आपको इसमें एडवाइस भी दी है कि इनको रिस्पॉन्स हो तो ये लोग सही से रिस्पॉन्स भी नहीं करते। ठीक है, और एक ही चीज़ के लिए आपको वहाँ भेजते रहेंगे कि आपका ये इशू है तो आप वहाँ जाइए वहाँ जाइए, तो खैर ये घुमाते रहेंगे काफ़ी आप लोग। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आए तो कर दीजिए, इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।